दोस्तों, हेलो। आप लोग अगर किसी को कुछ बात करनी हो या किसी को कुछ पैगाम भेजना हो तो क्या करते हो? खत लिखते हो? इस जमाने में भी खत लिखते हो? नहीं, फोन करते हैं। क्या करते हैं हम? फोन करते हैं। लेकिन जब फोन नहीं था तब क्या होता था? खत लिखते। हाँ, बहुत अच्छे। क्या लिखते थे? खत लिखते। आता है तुमको खत लिखने? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुमको बताती हूँ कि खत किस तरह से लिखा जाता है, फिर तुम लोग लिखना, ठीक है? तो ये मैंने खत लिखा है अपनी अम्मी को कि मैं यहाँ पर आई, मैंने क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें। तो पहले, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं हमारा एड्रेस, हमारा पता जहाँ पर हम रहते हैं। उसके बाद हम जिसको खत लिख रहे हैं उसका नाम, फिर ये जो है सलाम या खैरियत पूछना, ये सब कंपलसरी नहीं है। तुम लोग इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखे तो चलेगा। और उसके बाद फिर हमने यहाँ से इस तरह से खत को शुरू किया है कि मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत भी चाहती हूँ, हम मैं यहाँ पर पहुँच गई। इस तरह से मैं तुमको पढ़ के सुनाऊंगी ये वाला खत कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, ये खत लिखा गया है 216, ये नंबर है मोमिन पूरे से पूना, मतलब यहाँ का जो एड्रेस है और इसका पिन कोड है। तारीख जो मैंने कब लिखा है, आज लिखा है। प्यारी अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदा वंदे करीम से नेक चाहती हूँ। मैं 10 जुलाई को यहाँ बखैर पहुँच गई, मतलब मैं अच्छे से पहुँच गई घर से और ऑफिस भी जाने लगी हूँ। ठीक है, मेरा काम है ना ऑफिस जाने का, तो मैं ऑफिस भी जाने लगी हूँ। धीरे धीरे मैंने तमाम काम को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है, और इंशाल्लाह आगे भी इसमें मजीद तरक्की करूँगी। अब मेरे छोटे भाई बहन, उनका नाम है इखरा अदनान, तो इखरा अदनान को प्यार देना और बड़े अम्मी को सलाम देना, दुआ की दरख्वास्त। पूरा मेरा खत हो गया और फिर मैंने लिख लिया यहाँ पे नीचे अपना नाम, आपकी प्यारी बेटी, ये मेरा नाम, सुन रहे हैं? ये मैंने चुप एडिशनल के तौर पे बनाया है, ठीक है? आया समझा? तो इस तरह से मैंने यहाँ पे नीचे फूल भी बनाए, ये ऑप्शनल है। तो हमको क्या आता है, पहले खत का एक अलग से लेकर आता था, उसके ऊपर ही खत लिखे जाते थे, मोटा सा जाड़ा सा पेज होता था। लेकिन आज हम क्या करते हैं, मेरे पास कुछ पेजेस हैं, इस पे तुमको क्या करना है, खत लिखना है, ठीक है? अब खत तुम कौन से टॉपिक पे लिखोगे, कौन से नॉन पे लिखोगे, इसके लिए मेरे पास एक गेम, ठीक है? ओके, तो अब तुम खत किस नॉन पे लिखोगे, इसके लिए मेरे पास एक गेम। तो ये देखो, ये मेरे पास कुछ चीट्स हैं, ठीक है, इस पे मैंने लिखा है नॉन। अब तुम लोगों को क्या करना है, एक एक चीट उठानी है और जो भी उन्होंने जिसको भी आएगा उस पर खत लिखना है। तुम किसको भी लिख सकते हो, अपने अम्मी को, अपने अब्बा को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने सहेली को, लो खोलो अपनी सहेली को, किसी को भी तुम खत लिख सकते हो। क्या आया है, किससे पढ़ते हैं बताओ, क्या है तुम्हारा? सालाना इम्तिहान, मतलब ठीक है, तुम्हारा क्या है, मेले की सैर, मतलब अगर तुम किसी, तुम्हारा बताओ नंबर क्या है, इम्तिहान की तैयारी है कि अब तुम्हारे इम्तिहान है और उसकी तैयारी तुम किस तरह कर रही हो। तुम लोगों के लिए एक पेज है, तुमको इस पे अपना खत लिखना है। आ गया ना समझ में किस तरह से लिखना है? ठीक, चलो ये पेन, ये तुम्हारा पेन, ये पेन लो, बाद में इसको डेकोरेट कर लेना, जैसे भी जो भी समझ में आता है, कुछ 5-6 लाइनों में लिख देना। चलो लिख।